गोल्ड मेडल क्यों नहीं आ पाया, कहाँ कमी नज़र आपको लगी कि मुझे खुद में कमी है या फिर खेलने में कोई ट्रिक नहीं अपना पाए क्या? जी नहीं, कबड्डी आज भी दिल की धड़कन है लेकिन बॉक्सिंग जो है मेरा ब्लड है, मेरा जुनून है, मतलब बॉक्सिंग सब कुछ है। जैसे कोई खिलाड़ी, कोई लड़की बॉक्सिंग खेल में आना चाहती है तो उनके लिए आगे स्कोप है या नहीं है, किस प्रकार वो आगे बढ़ना चाहेंगे? बोले नहीं तो हम कोई नहीं बोलेंगे, अगर इसको खेलने के लिए बाहर भेजा तो मतलब हम तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए, ऐसा पापा को बोला कि अगर किसी बच्चे को बिगड़ना होगा तो वो तो घर पर बैठा भी बिगड़ सकता है, कोई बाहर जाकर कोई अलग से थोड़ी ना बिगड़ेगा। नमस्कार, अनिल के साथ मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, आज भी समाज में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है, लेकिन फिर भी लड़कियां दिन प्रतिदिन देश का गौरव बढ़ाने में मेहनत कर रही है। आज हमारे साथ स्वीटी बुरा जी है, जो हाल फिलहाल दुबई से एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया उनका। उनसे जान लेते हैं उनके लाइफ के बारे में, कितना संघर्ष उन्होंने करना पड़ा इस मेडल को लाने में। नमस्कार मैम, सबसे पहले अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। तो मैम सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना, कोई आपको दर्शक कभी रोहतक में देखता है, कभी हिसार में देखता है, तो क्या कुछ रीज़न है इसका? जी रीजन ओनली बॉक्सिंग और प्रैक्टिस ही है। जैसे हिसार से मैं बेसिकली हूँ, मेरा घर है हिसार में और मैं रोहतक में रहती हूँ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। मैं अभी जो हमारी एक्सीलेंसी है, पहले हिसार में थी साई में, वो भी ट्रांसफ़र होकर रोहतक में आ गई है, दैट्स वाई मैं रोहतक में ज़्यादा अब दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं रोहतक एक्सीलेंसी में हूँ, साई में हूँ। तो मैम जैसे आपका ब्रॉन्ज मेडल आया, गोल्ड मेडल क्यों नहीं आ पाया, कहाँ कमी नज़र आपको लगे, खुद में कमी है या फिर खेलने में कोई ट्रिक नहीं अपना पाए, क्या कुछ रीज़न थे इसका? जी इसके लिए मैंने पहले भी बोला है कि अभी आपको पता है इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है, हमारा लॉकडाउन चल रहा था, प्रैक्टिस बहुत, मतलब फिटनेस प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है, फिटनेस हमने की हुई थी, जो दिख भी रही थी रिंग में कि थकावट नहीं हो रही थी, लेकिन टेक्निकल प्रैक्टिस हमारी, जैसे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए मुझे जैसे पार्टनर की ज़रूरत होती है, वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से थोड़ा हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए पूरे इंडियन, और भी अच्छी हम परफॉर्मेंस दे सकते थे अगर हमें पार्टनर ट्रेनिंग मिल जाती तो। तो मैम जैसे आपने अपना मेडल किसानों को समर्पित कर दिया जी, तो किसान सरकार के ख़िलाफ़ है और सरकार किसान के ख़िलाफ़ है, लेकिन आपको कहीं लगता नहीं कभी कुछ आपकी फाइल वगैरह अटक जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, क्योंकि एक दूसरे के विरोध में दोनों चीज़ें? जी आपने बोला किसान सरकार के ख़िलाफ़ है और सरकार किसान के ख़िलाफ़ है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है, वो कुछ गलत काम करेंगे उनके खिलाफ है, और किसान भी सरकार के खिलाफ नहीं है, वो जो कानून बनाए हैं कुछ उनका विरोध कर रहे हैं। सो मैम कानून के ऊपर ही सरकार एक दूसरे के विरोध में है जी। देखो एक अगर दो लोग अगर सहमत नहीं होते तो असहमति जताते हैं तो थोड़ा मनमुटाव होता है, लेकिन बात करने से सब चीज़ों का सलूशन होता है, और इसीलिए कि इस सिचुएशन में किसानों की सुनी जाए, इसीलिए मैंने अपने प्रधानमंत्री जी से भी अपील की थी कि इन लोगों के तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो मैम आपने खेलना कब से स्टार्ट किया था? जी 2009 में मैंने खेलना स्टार्ट किया था, 2008 में मैंने ट्रायल्स दिए थे साई में, लेकिन 2009 में मैंने दोबारा ट्रायल दिए थे आने के लिए, तब मेरा सिलेक्शन हुआ था साई में उसके बाद। तो मैम जैसे सुनने में आपने स्टार्ट में कबड्डी खेल चुना था, लेकिन बॉक्सिंग में कैसे है, क्या कबड्डी खेल पसंद नहीं था आपको, क्या दिक्कत थी? जी नहीं, कबड्डी आज भी दिल की धड़कन है लेकिन बॉक्सिंग जो है मेरा ब्लड है, मेरा जुनून है, मतलब बॉक्सिंग सब कुछ है, है ना। जब मैंने गेम स्टार्ट किया था उस टाइम आपने बोला कि उससे पहले मैंने कबड्डी खेलती थी मैं गांव में, बेसिक जैसे कोई भी अभी आजकल के बच्चे कंप्यूटर गेम खेलते हैं वैसे हम लोग कबड्डी और कुश्ती खेलते हैं गाँव में, तो वैसे ही मैंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था कबड्डी खेलना, और मैं चाहती थी कि मैं आगे कैरियर बनाऊं, लेकिन टीम गेम की बजाय मुझे पापा ने सुजेस्ट किया, क्योंकि मैं खेलते भी थे तो पता लगता था अगर हम अच्छा खेलते हैं दूसरे वाला अच्छा नहीं खेलता है तो हम हार जाते हैं, तो उस टाइम बहुत दुख होता था कि
मतलब किसी और की वजह से हम अच्छा खेलकर भी हार जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल गेम में अगर आप हार रहे हो तो खुद की कमियों की वजह से, और जीत रहे हो तो खुद की खूबियों की वजह से। दैट्स व्हाई मैंने पापा के कहने पर बॉक्सिंग गेम ज्वाइन किया था। तो मैम, जैसे कोई व्यक्ति या कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर मेडल आता है और वही व्यक्ति वही खिलाड़ी स्टेट लेवल पर हार जाता है, तो इसका क्या कारण है? जी वैसे तो सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर मेडल लेकर आता तो लैक ऑफ प्रैक्टिस भी हारने का कारण हो सकता है, और काफ़ी रीज़न मैं बोलना नहीं चाहूँगी। और मैंने आपको जैसे कोई खिलाड़ी कोई लड़की बॉक्सिंग खेल में आना चाहती है तो उनके लिए आगे स्कोप है या नहीं है, किस प्रकार वो आगे बढ़ना चाहेंगे? जी देखिए, अभी पहले से तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप गेम कर रहे हो अभी, गवर्नमेंट और लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स वालों को, लड़कियों को। इसीलिए लड़कियों को क्या, लड़कों के लिए भी बहुत स्कोप है गेम में, तो करना चाहिए गेम। और लड़कियां अगर गेम करती हैं और बॉक्सिंग करती हैं तो बोल्ड, बहुत बोल्ड हो जाती है वो ज़िंदगी के डिसीजन लेने में। और जैसे नॉर्मल लड़कियाँ होते हैं बहुत ज़्यादा डर वरकर रहती है, गेम में आने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लड़कियों का थोड़ा बूस्ट हो जाता है, अप हो जाता है, तो वो उनको रहने में अपनी आम जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा सुलित महसूस होते हैं। आई थिंक सो, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। तो मैम, जैसे खिलाड़ी हो आप, बॉक्सिंग खिलाड़ी हो, तो डाइट में क्या कुछ रहता है आपकी फिटनेस को लेकर, किस प्रकार की डाइट लेते हो नॉर्मल खिलाड़ी से, नॉर्मल व्यक्ति से अलावा? जी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आप, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह खाते हो तो आपका स्टेमिना बहुत डाउन चला जाता है, फैटी आपका फैट लेवल बढ़ जाता है, तो आपको हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी होता है। सप्लीमेंटेशन भी आपको मतलब अच्छे से लेनी पड़ती है। अगर आप हार्ड ज़्यादा जैसे मोस्ट स्पोर्ट्स वाले सप्लीमेंट का थोड़ा सहारा लेते, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा कभी कभी नहीं खा पाते, उतना प्रोटीन और उतनी उतने विटामिन हमें खाने से नहीं मिलते, तो थोड़ा सहारा हम उन चीज़ों से भी लेते हैं। तो मैडम, आपकी लाइफ कितनी संघर्षफुल रही? जी काफ़ी रही, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम कुछ रिश्तेदार भी और गांव वाले भी ऐसे ताने देते थे पापा को कि देखेंगे क्या करेंगे, बाहर भेज रहा है लड़की को, तो क्योंकि हमारे जैसे खानदान में ऐसे बोलते कि अच्छे घरों की लड़कियां बाहर नहीं जाती, ये पहले ऐसा सोचते थे लोग, और अब भी गाँव में ऐसी सोच वाले लोग हैं। और मेरी खुद की फैमिली में भी जैसे मेरे रिलेटिव्स थे तो उन्होंने पापा को बोला था कि या तो हमसे बोल ले, नहीं तो हम कोई नहीं बोलेंगे, अगर इसको खेलने के लिए बाहर भेजा तो मतलब हम तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए, ऐसा पापा को बोला था। लेकिन पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पापा ने बोला कि अगर किसी बच्चे को बिगड़ना होगा तो वो तो घर पर बैठा भी बिगड़ सकता है, कोई बाहर जाकर कोई अलग से थोड़ी ना बिगड़ेगा, और बोल रहा कि जो भी होगा मैं देख लूँगा, मेरा बच्चा है, क्या करवाना है क्या नहीं करवाना वो मैं देखूँगा। तो पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, माँ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, माँ पापा की वजह से हूँ मैं आज जो कुछ भी हूँ, आज जिस जगह पर मैं हूँ। तो इस समय उन व्यक्तियों का क्या रिएक्शन है मैम? अब तो आपने काफ़ी मेडल भी हासिल कर लिए, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी ब्रॉन्ज मेडल आया फिलहाल आपका। वही लोग बोलते हैं हमें पता था कुछ करेगी ज़रूर और वही लोग सबसे आगे रहते हैं जो ताने मारते थे, वही सबसे आगे रहते हैं कि कब हम मतलब वो सोशल मीडिया का भी आजकल क्रेज है ना कि ज़्यादा, तो उस पर डालते कि हमारी बेटी हमारी बहन ऐसे करके, वही लोग सबसे ज़्यादा आजकल मेरे बारे में पोस्ट वगैरह डालते हैं। तो मैम, जो ये आपसे बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी अभी हाल फिलहाल, इससे पहले आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या कुछ घबराहट हुई थी कि आप बाहर जा रहे हो? जी ये इस उम्मीद के साथ गए थे आप बाहर गोल्ड मेडल आएगा? जी बिल्कुल, यही सोच कर कि मैंने फिटनेस ट्रेनिंग मैंने इतनी अच्छी की थी कि मैंने संडे तक का भी रेस्ट नहीं लिया था, और आप देख भी सकते थे कि मैं अपना अपडेट करती रहती हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कि मैं प्रैक्टिस मेरी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने लास्ट के
20 दिन मुश्किल से बॉक्सिंग का काम हुआ होगा, और काम भी ऐसे कि विदाउट कोच खुद ही हम कर रहे हैं, घर पर बैग मार रहे हैं, या फिर पार्टनर जैसे पड़ोस में लड़का रहता था तो थोड़ा उसके साथ थोड़ा काम करते, लेकिन इतना अच्छा नहीं कर पाए जितना हम कैंप में करते हैं, जितना हम अपने ग्राउंड पर करते हैं लॉकडाउन की वजह से। तो उम्मीदें काफ़ी थी कि क्योंकि फिटनेस लेवल मेरा बहुत अच्छा था, तो यूँ सोच रही थी कि हाँ मैं कर लूँगी और अच्छा, लेकिन पार्टनर ट्रेनिंग की वजह से थोड़ा जो इतना अच्छा मैं परफॉर्म नहीं कर पाई और गोल्ड मेडल से मैं चूक गई। और मैंने सोचा तो गोल्ड मेडल के बारे में ही था कि मेरा गोल्ड आएगा, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब की बार ये कह सकते हैं कि इतने टाइम की प्रैक्टिस में इतना भी मिला तो भी अच्छा है। और हरियाणा में कहावत है ना मैडम, देर है अंधेर नहीं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, देर है अंधेर नहीं। 1.5 साल के बाद ये मेजर कॉम्पिटिशन मुझे खेलने को मिला और उसमें मेडल मिला, एटलीस्ट मैं इसलिए खुश हूँ। इस वैसे मैं हमेशा इतना खुश नहीं होती अगर गोल्ड मेडल से नीचे कभी आता है, अब की बार बस ये सोचकर मैं खुश हूँ कि 1.5 साल के बाद इतना मैंने परफॉर्म किया, इतनी अच्छी प्रैक्टिस ना होने के बावजूद भी, इसलिए थोड़ा खुश हूँ। वैसे खुश नहीं हूँ कि मैंने गोल्ड मेडल से चूक गई। तो मैम इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? जी मेडल का श्रेय तो बहुत सारे लोग हैं, कोच ने जो लड़के को भेजते थे स्पेशली अभी लॉकडाउन में भी, हमारे MS ढाका सर है और हमारे साईं जो हमें सपोर्ट करता है टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करने के लिए, जबकि ऑनलाइन आजकल वीडियो कॉलिंग करके प्रैक्टिस जैसे करवाते हैं, और मेरे जो बेसिक कोच है राज सिंह सर, और जो MS ढाका सर ने करवाई है, और मैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी थैंक यू बोलना चाहूँ क्योंकि किरण रिजिजू जी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन उनके आने के बाद ना स्पोर्ट्स बहुत ऊपर चला गया है, तो वो भी बहुत उन्होंने सपोर्ट किया हमें, और जैसे हमारा जो कैंप के कोचिज हैं अली सर है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमें, हमारे जो फॉरनर कोच हैं काफ़ी लोग हैं, और जो सबसे मेन है हम मेरे जो फैंस हैं लवर हैं बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, वही वो लोग हैं जो आपको बगैर किसी स्वार्थ के, आप कोई स्वार्थ के आपके लिए प्रे करते हैं, उन्होंने किया। मेरे माँ बाप उनका तो मैं कभी मतलब उनको श्रेय क्या, वो उनके लिए तो मेरी पूरी लाइफ है, मतलब कभी उनका शुक्रिया। हाँ इस लेवल पर पहुँचे बाद इस लेवल पर क्या, इस दुनिया में भी मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ। सो इन इतने लोगों को मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इवन दीपक को भी मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि दीपक ने भी लॉकडाउन के टाइम बहुत मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि फिटनेस ट्रेनिंग मेरे साथ फिटनेस ट्रेनिंग करते थे। मेरी बहन सीवी लास्ट टाइम कोई नहीं आता था, उसके घुटने में भी चोट होने के बावजूद भी वो मेरे को पैड करवाती थी, पैड समझते हो बॉक्सिंग के पहन कर हाथों पर पंच मरवाते हैं, तो वो करवाती थी। तो उसका भी, मेरे भाई मनदीप का भी, क्योंकि वो स्प्रिंट वगैरह लगाने पड़ते तो मेरे साथ पार्टनर बनकर जिम, जैसे हम जिम भी पार्टनर ट्रेनिंग में जैसे करते थे, कंधे पर बैठा लिया एक दूसरे को ऐसे स्क्वाट्स वगैरह लगाने, तो मैं उनको भी मतलब मेन मानती हूँ कि मेरी जो मेडल आया है उन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, तो बहुत मैं उन लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने सारे लोगों ने मेरा साथ दिया। इवन मैं एक बार जिम वाले को भी, जो कुछ दिन उन्होंने स्पेशली सिर्फ मेरे लिए प्रैक्टिस करवाई हिसार में कुछ दिन, क्योंकि अलाउ नहीं था खोलना के लिए, लेकिन घर वाले कर सकते हैं, तो सिंगल अकेली मैं ही जाती थी जिम में प्रैक्टिस करने के लिए, मैं और मेरी बहन, तो मैं उसका भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो बहुत सारे लोग हैं अंडर जिन्होंने मेरे लिए काम किया, तो प्रैक्टिस आपके जोर शोर से चल रही थी फिर इससे पहले? हाँ जी बिल्कुल, फिटनेस के मामले में मैं बिल्कुल, मेरी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हुई जो कभी भी नहीं हुई। मैं फिटनेस के मामले में मैं बताना चाहूँगी कि फिटनेस ट्रेनिंग मेरे इतना फिटनेस लेवल नहीं था, मैं पहले भी मेरे मेडल आए हैं, लेकिन अब की बार मेरा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा था। मैं बिल्कुल भी रिंग में थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं थी मेरे अंदर, लेकिन मैं जहाँ मैंने लूज किया वो मेरे टेक्निक की वजह से, क्योंकि पार्टनर वर्क मेरा इतना नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप बॉक्सिंग सिर्फ फिटनेस की वजह से आप नहीं जीत सकते कोई गेम के लिए टेक्निक के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जी
तो मैम जैसे लॉकडाउन से पहले आपकी वैसे प्रैक्टिस होती थी, कोच साथ रहते थे, अब वीडियो कॉलिंग के द्वारा, इसमें क्या कुछ डिफरेंस नज़र आया आपको? देखिए कोच वगैरह का इतना ही काम, वो हमें इतना लंबा टाइम तक देख नहीं सकते कि हमें वीडियो कॉलिंग पर, जबकि हम सामने करते हैं तो वो देखते हैं वीडियो कॉलिंग, आप दबाव रहता है कोच सर पे खड़े, बिल्कुल हाँ दबाव तो रहता ही है, लेकिन दबाव के वजह से नहीं, हम लोग एक साथ में ग्रुप में ट्रेनिंग करते ना, एक दूसरे को देख कर जोश आता है कि आपके पार्टनर ने ना इतना अच्छा कर रहा है तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, तो हम जो हमारी लिमिट होती है ना, हम उससे भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और जबकि हम खुद काम कर रहे होते हैं तो उस वो लिमिट तक ही हम काम करते हैं। अब आप अकेले कर रहे हो और एक आप आपके साथ कंपटीशन में कोई दूसरा बंदा कर रहा है, तो आप और तेज जैसे भाग रहे हो, दो लोग भाग रहे हैं तो आगे वाला आपके साथ में निकल रहा है तो आप और जोर लगाने की कोशिश करोगे, या फिर आप अकेले ही भाग रहे हो तो आप इतना अच्छा नहीं भागोगे, है ना। तो वही चीज़ होती है, अगर आपका कॉम्पिटिशन आप मतलब जो कंपटीशन होता है ना बढ़ता है, और आप आपका जो साथ में प्रैक्टिस करने वाला होता है वो आपसे अच्छा करता दिखता है, तो आप और ज़्यादा अपने आप को पुश करने की कोशिश करते हो। तो मैम आगे को लेकर कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको कि गोल्ड मेडल आ जाए? जी प्रैक्टिस मुझे थोड़ा टेक्निक्स पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पार्टनर बहुत ज़्यादा पकड़ रही थी और मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इवन उसकी वार्निंग बनती थी जो दी नहीं गई, मैंने सोचा था मैं जीत जाऊंगी, लेकिन शायद मेरा दिन नहीं था और उसको जीत मिली, बट ये मेरी गलती है कि मैंने उससे छुड़वाया नहीं इतना, मैं यही कहूँगी, क्योंकि और तो ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती, कि बस मैं अपनी टेक्निक्स पर ध्यान दूँ और ज़्यादा। तो मैम हम दोबारा फिर आएंगे, आप गोल्ड मेडल लाना, ठीक है, इसके लिए आपका एडवांस में बधाई। जी थैंक यू थैंक यू। तो मैम जैसे नेशनल लेवल पर खेलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, तो इसमें कितना चैलेंजिंग होता है? जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप नेशनल लेवल पर आप अपने सिर्फ इंडिया के जो प्लेयर हैं उनसे खेलते हो, और इंटरनेशनल लेवल पर जो अपनी अपनी कंट्री से जो बेस्ट प्लेयर होते हैं आप उनके साथ कॉम्पीट करते हो, तो बहुत इंडिया के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, जी अननोन होते हैं, साथ में अपनी अपनी कंट्री से जो भी रिप्रेजेंट करेगा तो बेस्ट ही रिप्रेजेंट करेगा ना। अब पूरे इंडिया को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मतलब मैं बेस्ट होकर मार कर उन लोगों को फिर ही तो रिप्रेजेंट करूँगी ना, तो ऐसे ही पूरे अपनी अपनी कंट्री से बेस्ट लोग आते हैं और उनके साथ खेलना पड़ता है, तो चैलेंजिंग तो होता है, सब अपनी अपनी बेस्ट टेक्निक्स के साथ आते हैं जी। तो मैम अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे आप? जी मैं यही कहना चाहूँगी, अनिल और विकी जी आप बहुत अच्छे हो और आप लोगों के साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, और मैं साथ में ये बोलना चाहूँगी कि अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, जो सोशल वर्कर हैं उनकी बारे में दिखाकर, तो ऐसे काम करते रहिए समाज के लिए, लोगों तक मैसेज पहुँचाते रहिए। थैंक यू थैंक यू मैम।